सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और एक महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि इस ढंग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती भी बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं, विकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्याण का हो, कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक, हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मित्रों यह भूमि, यह हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मित्रों इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। मित्रों यहां मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा अमित भाई इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला।
मित्रों ये शुरुआत है परिवर्तन की, जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों मैं आज यहां आया हूं, यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगा। मित्रों हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया। साकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, एफएसएल यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था, उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर दे। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। पाठ्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं और मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भाई धर्मेंद्र प्रधान का है। मगर मुझे आनंद है कि योगी जी नई शिक्षा नीति को मोदी जी के स्पिरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भूमि पर उतारने का काम कर रहे हैं। मित्रों ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण पर पूर्ण विराम करने का काम करा है। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों, 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी, जोर से बोलो कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। प्रदेश का जीडीपी 10 लाख
90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली